얘들아. नमस्कार, मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से आपको और सांप को बचाने के लिए दयालपुर कॉलोनी जो खतली में आती है, और भाई साहब के यहाँ कोई सांप आया है तो चलिए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। भाई साहब अपना नाम पता बताइएगा। प्रभात कुमार। जोर से बोलो जो हाथ का आवाज़। प्रभात कुमार दयालपुरम, बाप का नाम परमपाल। चलिए दिखाइए कहाँ है सांप। सारी हटेंगे तभी पकड़ेगा, अगर हमने ऐसे हाथ दिया तो हो सकता कोई और बैठा हो। जोड़ा है उनका ऊपर जा रहा हूँ, अभी बहुत दूर है वो, बताता हूँ। ये रहा सांप और काफी एक्टिव सांप। ये देखो भाई कैमरे में नहीं आ रहा है, चलो बाबा तुम पकड़ते हैं और चलते हैं लेकर जंगल में छोड़ने के लिए। आइए आइए आइए, नहीं आ रहा। चलो अब आओ, कई बार ऐसा होता है कि सब दिखाई कुछ और दे रहा, दूसरे मिल जाए के आसपास। छोड़ दो परे, चल बड़ा थोड़ा उछल जाओ, जा लिया कटेगा। बस 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 और ऑटो भी छोड़ो, परे को ले जाओ जब लगे। तुम कुछ कह रहा है अभी कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, लेसो को पकड़ो इतना दूसरा देखो। दोस्तों ये है इंडियन रेट स्नेक, जिसको घोड़ा पछाड़ी बोलते हैं। काफी लंबा इसकी है और एग्रेसिव ये दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। ये लंबाई चौड़ाई के कारण, अपनी तोड़े कारण प्रसिद्ध है। इसके काटने के बाद व्यक्ति की मौत जरूर हो जाती है, जिसका कारण होता है डर, जबकि इसमें जहर नहीं होता। ये देखिएगा, ये काफी प्यारा सांप होता है हम लोगों के लिए। देखिए कैसे गांठ लगा लेता है, और किसान मित्र भी ये कहा जाता है। बाकी लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है उनके कारण काफी डर बना हुआ है कि हाई सांप। ये देखिएगा, ये केवल चूहे खाने का काम करता है। कहीं पर भी कोई भी सांप अगर आपको दिखाई दे, ध्यान रखें छेड़छाड़ी ना करें। आप हमें कॉल करें या वन विभाग को करें, आपको और सांप को दोनों को बचाएंगे। और कहीं पर भी कोई भी सांप कभी भी अगर आपको काट ले तो आप झाड़ फूक झाड़ तोड़ने के चक्कर में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाए जहां पर आपका फ्री इलाज होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार हमने देखा है कि लोग बाग जो है हमारी बात को ना मानते हुए झाड़ फूक वाले के पास चले जाते हैं, और जहरीला सांप अगर काट लेता है तो उनकी वहां पर मौत हो जाती है। तो चलिए इसको पैक करते हैं। लो भैया इसको पकड़ो जरा, मैं दूसरा देखता हूँ। पकड़ो तो सही। आज तो है ना मिलन कर रहे थे। हाँ उनका यही टाइम है। भाई बोल रहे थे।